गाइस कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन गाइस? जैसा कि आप सबको पता है, लेखा लिपिक के जितने पार्ट्स से सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया है। पूरा पेपर हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है। उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स को, उसके अलग अलग जो आपके ऑप्शंस हैं उसको हमने एक डिस्क्रिप्टिव वे में पूरा डिस्कस किया है, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आगे के एग्जाम के लिए। उसके चार के चार पार्ट्स मैंने चैनल पर डाल दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लेखा लिपिक नाम से मैंने अलग से उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी, ताकि आपको चारों पार्ट एक साथ वहाँ पे कंटिन्यूसली आप देख सकते हैं, ठीक है। और जो ये सीरीज हमने चलाई हुई है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। कॉमर्स की जो MCQ सीरीज है, आपके जो आने वाले कॉमर्स से रिलेटेड एग्जाम्स हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सभी तरह के क्वेश्चन इसमें मैंने इंक्लूड किए हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं या थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं, ऑन दी अदर एंड डिस्क्रिप्टिव हैं या फिर इस तरह के क्वेश्चन हैं। सारे सब कुछ हम इसमें कवर करेंगे और एनालिसिस करेंगे उसके हर एक ऑप्शन को, कि गलत है तो क्यों है और सही है तो कैसे सही है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आज का हमारा, शेयर प्रीमियम अकाउंट कैन बी यूज्ड फॉर। देखिए, शेयर प्रीमियम अकाउंट हमारा होता क्या है, जब भी हम कोई शेयर इशू करते हैं, ठीक है, तो उस पर हम शेयर बेसिकली तीन तरह से हम इशू करते हैं। पहला हम इशू करते हैं एट पार, दूसरा हम करते हैं एट प्रीमियम, और तीसरा होता है एट डिस्काउंट, ठीक है। बेसिकली डिस्काउंट वाला अब जो है प्रोहिबिट कर दिया गया है, कि डिस्काउंट पे आप शेयर को इश्यू नहीं कर सकते हो, ठीक। लेकिन एक थ्योरेटिकल टर्म्स में बात करें तो हमारे पास तीन तरह के होते हैं। और प्रीमियम पे जब हम इशू करते हैं, तो शेयर इशू करने पे जो प्रीमियम का पैसा हमें मिलता है, बेसिकली प्रीमियम इन द सेंस 100 रुपये का शेयर था, हमने 120 पे उसको इशू किया, तो 20 रुपीज़ जो हमारे पास पर शेयर का जो प्रीमियम आएगा उसका हम किस प्रकार यूज कर सकते हैं। और पार पे होता है, अगर 100 का है उसको अगर हम 100 पर ही इशू कर रहे हैं तो हमारा हो गया इशू एट पार, ठीक है, डिस्काउंट पे उससे कम पे। तो जो हमें प्रीमियम मिला, ठीक, जो हमने 100 का शेयर था, 120 पे हमने इसको इश्यू किया, बचा हमारे पास 20 रुपीज़ प्रॉफिट आया, तो इस प्रॉफिट को बोलते हैं शेयर प्रीमियम। और इस शेयर प्रीमियम किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, पेइंग टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी के लिए कभी भी इसका पेमेंट इसका यूज नहीं किया जाएगा। मीटिंग द कॉस्ट ऑफ इश्यू ऑफ द शेयर डिवेंचर, पेइंग डिविडेंड, डिविडेंड का यूज, डिविडेंड को पे करने के लिए भी इसका कभी यूज नहीं किया जाएगा। मीटिंग द लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड एसेट, इसका भी इसमें यूज नहीं किया जाएगा। सिर्फ जो हमारे शेयर के इशू करने को लेके जो एक्सपेंसेस होते हैं उसमें इसका यूज़ किया जाएगा, और साथ ही इसको बोनस शेयर्स इशू करने के लिए भी यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मीटिंग द कॉस्ट ऑफ इश्यू ऑफ द शेयर और डिवेंचर। शेयर और डिवेंचर के जो इशूइंग एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, जिसका खर्चे होते हैं जो स्टार्टिंग के, और उनको हम बेसिकली इसमें इंक्लूड करेंगे। जैसे कि आपके क्या क्या होते हैं खर्चे, जैसे कि आपके हो गए अंडरराइटिंग होता है, कमीशन होता है, ठीक है, और इसके अलावा सर्टेन डिस्काउंट्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो भी होती हैं, ये हम किस में यूज की, इस पैसे को हम कौन सा पैसा इसमें यूज कर सकते हैं, जो आपका शेयर प्रीमियम का पैसा है उसको हम इसमें यूज कर सकते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर टू की बात करते हैं, प्लोइंग बैक ऑफ द प्रॉफिट मीन्स। देखिए, प्लोइंग बैक का मतलब होता है कि हम, देखिए हमारे पास क्या रहता है, हमारे पास पहले भी हमने इसको डिस्कस किया, हमारे पास नेट इनकम मान लेते हैं, उसके हम दो पार्ट करते हैं। एक हम करते हैं क्या, रिटेन्ड अर्निंग, दूसरा क्या करते हैं, डिविडेंड के तौर पे हम इसको बांट देते हैं। तो रिटेन्ड अर्निंग का ही दूसरा नाम हम कहते हैं प्लोइंग बैक। प्लोइंग बैक का मतलब हो गया कि अपने पास रिटेन करके रखती कंपनी जो पैसा उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए है, डिविडेंड डिक्लेयर्ड बट नॉट क्लेम्ड बाय शेयर होल्डर, ये तो नहीं है। नॉन डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड, ये भी नहीं है। प्रॉफिट अर्न्ड फ्रॉम इलीगल सोर्सेज, ये भी नहीं है। लास्ट ऑप्शन बचता है, यही सही है अपना, रिटेनिंग द अर्निंग ऑफ द बिजनेस फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन प्रोग्राम। अब देखिए, आपको लगेगा कि अगर कंपनी का जो अल्टीमेट मोटिव होता है, वो आप सबको पता है कि जो हमारे शेयर होल्डर की वेल्थ होती है उसको इंक्रीज करना होता है, उसके मार्केट प्राइस को इन्हेंस करना होता है, उसके मार्केट प्राइस को इंक्रीज करना होता है। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा इसका मोटिव है, तो वो अपने पास क्यों प्रॉफिट को रिटेन करती है, बांट क्यों नहीं देती शेयर होल्डर को, बांटेगी तो उसका प्रॉफिट जो है हाई रहेगा, हमारे शेयर होल्डर का मार्केट प्राइस हाई जाएगा। देखिए, इसका रीज़न ये रहता है, इसकी अलग अलग थ्योरीज हैं, डिविडेंड की अलग अलग थ्योरीज हैं, उनसे यहाँ पे क्लियर होता है। लेकिन मैं बेसिक से आपको बता देता हूँ कि रिटेन्ड अर्निंग करने का बेसिक सा उद्देश्य होता है
पैसे को अपने पास ऑब्जर्व करना और उस पैसे को वहाँ पे इन्वेस्ट करना जहाँ पर आपको डिविडेंड देने से ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, ठीक है। डिविडेंड बाई चांस आप पे आउट रेशियो आपका 12% है, ठीक है, और आपको कहीं पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको इन्वेस्टमेंट पे 14% का आपको रिटर्न मिल रहा है। तो आप क्या करोगे वहाँ पे, आप पैसे को इन्वेस्ट करना चाहोगे क्योंकि आपको वहाँ पे 14% रिटर्न मिला। अगर शेयर होल्डर खुद से इन्वेस्ट करता तो उसको 12% का रिटर्न मिलता, ठीक है। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो कहीं पे ऐसे पोर्टफोलियो में आप इन्वेस्ट कर रहे हो जहाँ पे आपका रिस्क कम है और रिटर्न आपका 14% है, तो कंपनी क्या चाहेगी उस पैसे को रिटेन कर लेगी और उसको अपने तरीके से इन्वेस्ट करेगी जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कंपनी कमा सके। तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या है, रिटेनिंग द अर्निंग ऑफ द बिजनेस फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन प्रोग्राम, फ्यूचर के लिए, ठीक है, फ्यूचर के प्रोग्राम्स को एक्सपेंड करने के लिए या फ्यूचर में ज़्यादा अर्न करने के लिए वो अपने पास रिटेन कर लेगी। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, एज पर शेड्यूल 6 ऑफ द कंपनी एक्ट 1956 फॉरफिटेड शेयर अकाउंट विल बी। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट होता क्या है, जब भी हम शेयर को इश्यू करते हैं, उसके बाद हम उनसे दो तरह के हम कैटेगरी बना लेते हैं, एक तो होती है कॉल्ड अप कैपिटल, एक होती है अनकॉल्ड कैपिटल, ठीक है। कॉल्ड अप कैपिटल वो कैपिटल होती है जब हम इश्यू करने के बाद शेयर होल्डर को पे ऑफ करने को बोलते हैं, यानी कि उनसे हम कुछ पैसा किस पे एप्लीकेशन पे मांगते हैं, कुछ पैसा हम अलॉटमेंट पे मांगते हैं, कुछ हम फर्स्ट कॉल पे मांगते हैं, कुछ सेकंड कॉल पे, जितने भी कॉल होंगे या फाइनल कॉल पे, ठीक है। तो इस तरह से जो पैसा मांगते हैं हम वो होता है हमारा कॉल्ड अप कैपिटल के अंदर। अनकॉल्ड कैपिटल वो पोर्शन होता है हमारे जो इश्यूइंग शेयर्स है उसका वो पार्ट होता है जिसको हम ऑन द टाइम ऑफ द लिक्विडेशन हम अपने शेयर होल्डर से मंगाते हैं, यानी कि जिस समय हम कहते हैं कि कंपनी बंद हो जाने के कगार पे आएगी तो उस समय आपकी ऑब्लिगेशन बनेगी कि जितने के शेयर के आप जितने वैल्यू के शेयर अपने होल्ड किए हुए हैं तो आप उस समय उसका पेमेंट करेंगे, तो ठीक है, क्लियर बात। तो यहाँ पे है कि शेड्यूल 6 में कंपनी एक्ट 1956 में बताया गया कि फॉरफिटेड शेयर अकाउंट विल बी क्या, एडेड टू पेड अप कैपिटल, डिडक्टेड फ्रॉम कॉल्ड अप कैपिटल, एडेड टू कैपिटल रिजर्व सोन एज ए रेवेन्यू रिजर्व। देखिए फॉर फ्यूचर का मतलब क्या है, फॉर फ्यूचर का मतलब सीधी सीधी बात है उसका पेमेंट नहीं हो पाया है, ठीक है, उसका पेमेंट नहीं हो पाया तो हम क्या करेंगे उसके शेयर को फॉरफिट कर लेंगे। किसी के शेयर अगर उसने पेमेंट करने में और डिफॉल्ट करता है तो हम उसके शेयर का हरण कर लेंगे, हिंदी में हरण करना बोलते हैं, अंशों का हरण बोलते हैं, तो उसके शेयर को हम हरण कर लेंगे। तो ये हमारा किस में से डिडक्ट हो जाएगा, डिडक्टेड फ्रॉम कॉल्ड अप कैपिटल, क्योंकि हमने कॉल करी थी, ठीक है ना, हमने कॉल की थी, कॉल में हमने दो कैटेगरी बनाई, हमने क्या बनाई एक पेड अप, हमने एक जो इश्यूइंग में हमने दो कैटेगरी बनाई, एक कॉल्ड अप बनाई एक अनकॉल्ड बनाई, ठीक है ना। अनकॉल्ड का तो वो पोर्शन तो हम मांग नहीं सकते, ठीक है, उसका तो हम फॉरफिट भी नहीं कर सकते क्योंकि वो तो हमने सेपरेट रखा हुआ, लेकिन हम कॉल्ड अप का ही यहाँ पे जिक्र कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे वो अमाउंट को जो हमें फॉरफिट करना पड़ा किसमें से, कॉल्ड अप कैपिटल में से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव ऑफ द लीस्ट प्रायोरिटी इन केस ऑफ द, देखिए यहाँ पे प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव की कौन सी यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी इंटरप्राइज है, जो कौन सी यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है उसका सबसे कम प्रॉफिट मोटिव का जो प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव रहता है। प्राइवेट एंटरप्राइज का तो बेसिकली सबसे मेन मोटिव ही प्रॉफिट अर्न करना है, पब्लिक एंटरप्राइज का भी बिना प्रॉफिट के कैसे चल पाएगा, वरना डिसइन्वेस्टमेंट की स्थिति आ जाएगी। तो पब्लिक एंटरप्राइज भी अपना प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ऑन दी अदर हैंड इक्वली वो अपना जो यू नो पब्लिक की सोशल वेलफेयर के लिए भी यहाँ पे काम कर लेते हैं, लेकिन प्रॉफिट उनका भी एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग ये भी आपका एक प्रॉफिट मोटिव के लिए होता है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक मिनिमम जो कह सकते हैं कि एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं होता, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का कि सोसाइटी में रहकर सोशल वेलफेयर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का आपका सबसे कम प्रॉफिट मोटिव रहता है, प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव रहता है, ठीक है, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, पार्टनरशिप मे कम इन टू एग्जिस्टेंस, बाई एग्जिस्टेंस में कब आती है पार्टनरशिप, पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप वो हो एक एग्रीमेंट होता है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टनर के बीच में जो अपने बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए एक बेसिक पर्पज को लेके चलते हैं, ठीक है। मिनिमम इसमें दो लोग होने चाहिए, दो लोगों के बीच में पार्टनरशिप होगी, उनका एग्रीमेंट होगा तो ही वही पार्टनरशिप कहलाती है, सिंगल आदमी के बीच में पार्टनरशिप नहीं हो सकती है। तो इस तरह से पढ़ते हैं यहाँ पे, पार्टनरशिप कब एग्जिस्टेंस में आ सकती है, द ऑपरेशन ऑफ लॉ,
द एक्सप्रेस अग्रीमेंट ओनली एंड एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अग्रीमेंट ओनली इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी। देखिए ऑपरेशन ऑफ द लॉ, ऑपरेशन ऑफ द लॉ इन द सेंस कि अगर आपने कोई कानून बना दिया, ठीक है, आप पार्टिसिप कर लो, तो ये इट डज नॉट मेक एनी सेंस कि आपने किसी को बोल दिया पार्टिसिप कर लो तो ज़रूरी है कि वो पार्टिसिप कर लेगा, ठीक है, ये कोई मतलब नहीं है। दूसरा है एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दो तरह के एग्रीमेंट होते हैं, ठीक है, एग्रीमेंट के पार्ट होते हैं। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट या वो एग्रीमेंट होते हैं जिसमें बातों को रिटन में या ओरली बोला जाता है, ठीक है, क्या कहा मैंने, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट या एक्सप्रेस एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होते हैं जिसमें बातों को जो आपके एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं या जो आपके एग्रीमेंट के एक तरह से रूल्स हैं उनको रिटन फॉर्म में या फिर ओरल फॉर्म में पूरी तरह से एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है, एक्सप्रेस किया जाता है। इम्प्लाइड क्या होता है, इम्प्लाइड वो होता है जहाँ पे हम कहते हैं कि ये ऑब्वियस है, ऑब्वियस इन द सेंस कि अगर फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, आप दुकान में गए, आप 5-10 रुपये लेके गए आप दुकान में आपने क्या किया कि आपको चिप्स ख़रीदना है, तो आप क्या करोगे, एक तो आप कर सकते हो कि आप दुकानदार के पास गए, आपने क्या कहा उससे, कहा कि भैया मुझे चिप्स दे दो, तो उनने कहा ठीक है चिप्स ले लो, आप लो पैसे लो, और उन्होंने कहा कि आधे जितने पैसे बचे वापस करो, या इस तरह से आप बोल सकते हो। तो ये आपका क्या हो गया, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि आपने एक्सप्रेस एग्रीमेंट हो गया कि आपने कहा कि मुझे चिप्स, तो उनने आपको चिप्स दिया, आपने उसके कंसिडरेशन पे किया यानी कि आपने उसका अमाउंट पे किया, तो दैट इज़ योर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। और इम्प्लाइड क्या हो गया, आप 5 रुपये लेके गए दुकान में, दुकानदार के पास आपने 5 का उसके जो काउंटर उस पर 5 रुपये रखे आपने, और सीधे आप 5 रुपये की नमकीन फाड़ के घर को आ गए, कोई बात नहीं, कोई चीज़ नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, ऑब्वियस सी बात है, आपने 5 रुपये का नमकीन लिया और उसके बदले में आपने बिना बोले 5 रुपये उसको दे दिया, तो इसमें क्या हुआ, एग्रीमेंट भी हो गया क्योंकि आपने कुछ चीज़ ली तो उसके बदले में आपने उसको पे भी कर दिया। तो ये इस तरह से आपके क्या हो गया, इम्प्लाइड एग्रीमेंट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, या कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस हो या एम्प्लाइड हो, दोनों केस में आपकी जो होती है पार्टनरशिप हो सकती है, ठीक है ना, और फोर्सफुली पार्टनरशिप नहीं हो सकती, इसलिए आपका दो ऑपरेशन ऑफ लॉ वाला आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ए पब्लिक कंपनी कैन स्टार्ट बिजनेस, पब्लिक कंपनी कब स्टार्ट कर सकती है अपना बिजनेस, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, आफ्टर प्रमोशन, आफ्टर रजिस्ट्रेशन या आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब देखिए यहाँ पे पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी दोनों का अलग अलग यहाँ पे कैटेगराइजेशन होता है कंपनी के बिजनेस को स्टार्ट करने का। प्राइवेट कंपनी का होता है जब उसको क्या मिल जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यहाँ पे डिफरेंस समझना, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, ये जो लिखा है इनकॉर्पोरेशन, उसके बाद बिजनेस क्या कर सकती है वो प्राइवेट कंपनी क्या कर सकती है, अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है, यानी कि उसको प्रमाण पत्र मिल गया कि आपकी कंपनी बन चुकी है, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन पब्लिक कंपनी की केस में इनकॉर्पोरेशन के बाद नहीं होता, उन्हें लेना पड़ता है सर्टिफिकेट ऑफ कमर्समेंट ऑफ बिजनेस, ये आपको याद रखना है पब्लिक कंपनी के केस में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव स्टोर इज सेटअप बाय द, कंज्यूमर्स के जो आपके कोऑपरेटिव स्टोर होते हैं, ठीक है, इनको कौन सेटअप करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट करती है, रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी करती है या मेंबर करते हैं। तो कंज्यूमर्स के जो कोऑपरेटिव स्टोर होते हैं उसको करते हैं मेंबर, मेंबर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसके जो मेंबर होते हैं वही इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के स्टोर को सेटअप करते हैं, इसमें गवर्नमेंट का किसी तरह का कोई भी रोल नहीं होता है, ठीक है। 8th वाला है, ऑब्जेक्टिव क्लॉज ऑफ ए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कैन बी अल्टर्ड बाय, यानी कि कौन सा अल्टर्ड कर सकता है ऑब्जेक्टिव क्लॉज, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्लॉज क्या होता है, जिसमें कंपनी के बेसिकली ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं कि कंपनी के क्या 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 उद्देश्य हैं, ठीक है ना, तो उसको अल्टर करना है उसको, यानी कि उसको बदलाव करना है उसमें, तो उसको कौन कर सकता है, किस में किया जाता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होते हैं। मैं पहले ही बहुत सारे क्वेश्चन इसके करा चुका हूँ कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपके अलग अलग तरह के यहाँ पे क्लॉज होते हैं, नेम क्लॉज होता है, एड्रेस क्लॉज होता है, ऑब्जेक्टिव क्लॉज होता है, तो इस तरह के क्लॉज होते हैं, तो इसमें अगर बदलाव करना है, इसमें आपको इन चीज़ों को आपको अल्टर्ड करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन एंड कंफर्मेशन बाय रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, स्पेशल रेजोल्यूशन एंड कंफर्मेशन बाय कंपनी लॉ बोर्ड। तो इसका राइट आंसर आपके पास हो जाता है ऑप्शन नंबर डी,
स्पेशल रिजोल्यूशन एंड कन्फर्मेशन बाई कंपनी लॉ बोर्ड। अब यहाँ पे दो तरह के रिजोल्यूशन आ जाते हैं, एक आता है आपका ऑर्डिनरी और एक आता है स्पेशल। इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन तब पास हो जाता है जब आपके हाफ शेयर होल्डर या हाफ बोर्ड ऑफ मेंबर यहाँ पे आपके मोर देन हाफ आपके यहाँ पे उपस्थित होते हैं, यानी कि 51% की वोटिंग है, तो आप ऑर्डिनरी जो आपका रिजोल्यूशन है उसको आसानी से पास कर सकते हैं। लेकिन लेकिन जो आपका स्पेशल रिजोल्यूशन है उसको पास करने के लिए आपको मोर देन 75% की आपको ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। 75% की आपके कम से कम 2/3 की मेजोरिटी आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको स्पेशल रिजोल्यूशन को पास कर सकते हैं और उसमें 51% के रिजोल्यूशन के साथ आप यहाँ पे पास कर सकते हैं, राइट। जो ऑर्डिनरी था, स्पेशल के लिए आपको जो आपके 2/3 है यानी कि आपके 75% आपको मेजोरिटी यहाँ पे चाहिए रहेगी। क्वेश्चन नंबर 9, लेटर ऑफ क्रेडिट इज प्रेजेंटेड बाई, ठीक है। ये देखो लेटर ऑफ क्रेडिट, अब समझते हैं पहले लेटर ऑफ क्रेडिट होता क्या है। इसके पहले भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं, आप पीछे जाकर देख सकते हैं अलग पार्ट में, यहाँ भी समझा देता हूँ। लेटर ऑफ क्रेडिट एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको कौन इशू करता है, बैंक इशू करता है। किसके बिहाफ में, इम्पोर्टर के बिहाफ में। किसको इशू करता है, एक्सपोर्टर को इशू करता है। समझ में नहीं आया होगा, देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे एक बैंक है सी, ठीक है। ए क्या है आपका, एक्सपोर्टर है। बी क्या है आपका, इम्पोर्टर है, यानी कि ये क्या गुड्स को बेच रहा है। एक मिनट मैं आपको अलग अलग केस से समझा देता हूँ। ये वाला आपका स्काई ब्लू वाला आपका क्या है, आपका एक्सपोर्टर है, यानी कि ये सेलर है, ये गुड्स को सेल कर रहा है। बी वाला आपका है इम्पोर्टर, यानी कि ये गुड्स को परचेज करेगा ए से। और सी आपका क्या है, बैंक है। तो इस केस में होता क्या है, जो एक्सपोर्टर होता है उसको, वो गुड्स को एक्सपोर्ट करेगा तो उसको एक एश्योरेंस चाहिए होती है कि मुझे ऑन टाइम और सेट अमाउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, यानी कि जो हमने डील हुई है उस डील पे आपको पैसा मिल पाएगा, जो जो आपकी बात हुई है, जितना टाइम पीरियड की बात हुई है उस टाइम पीरियड में मुझे पैसा मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये उसको एक अश्योरेंस चाहिए। किसको, ए को। हर किसी को चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल आप ही कहीं पे दुकानदार हैं, आप ही कहीं पे होलसेलर हैं, आप ही कोई बिजनेसमैन हैं, तो आप अगर अपने गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अपने गुड्स को बेच रहे हैं, तो आपको भी तो एक अश्योरेंस चाहिए कि आप क्या करेंगे, उस पर जो आपने उधार में बेचा है उसका पैसा आपको ऑन टाइम कहे गए समय पर मिल जाए और जितना कहा था उतना मिल जाए। तो इसको अश्योर करने के लिए यहाँ पे बैंक एक लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करता है। किसके बिहाफ में, इम्पोर्टर के बिहाफ में, ठीक है। बी के बिहाफ में ए को जारी करेगा कि हाँ बी आपको जिस टाइम पे बोला है, जितना अमाउंट बोला है, वो सब कुछ आपको पे हो जाएगा। इन केस अगर बी डिफॉल्ट करता है ए का पेमेंट करने, यानी कि अगर इम्पोर्टर डिफॉल्ट करता है बी एक एक्सपोर्टर का पेमेंट करने के लिए, तो इस केस में सी की यानी कि बैंक की ऑब्लिगेशन बनेगी कि वो ए को जाके पेमेंट करे, ठीक है। ए पे बैंक क्या करेगा, उसको कंपनसेट करेगा। कितना कंपनसेट करेगा, या तो जितना अमाउंट इसने पेमेंट नहीं किया, या तो पूरा का पूरा अमाउंट वो पे करेगा। किसको, सेलर को, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लेटर ऑफ क्रेडिट। आई होप समझ में आ गया होगा। तो लेटर ऑफ क्रेडिट किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, प्रेजेंट करता है इसको इम्पोर्टर, ठीक है। इम्पोर्टर प्रेजेंट करेगा और इश्यू कौन करेगा, तो इश्यू अगर ऑप्शन आ गया तो बैंक उसको इश्यू करेगा। किसके बिहाफ में इशू करेगा, तो वो आ जाएगा आपके इम्पोर्टर के बिहाफ में। किसको इशू करेगा, तो वो आ जाएगा एक्सपोर्टर को, यानी कि एक्सपोर्टर को आपको एक कन्फर्मेशन यानी कि देनी पड़ेगी रिटर्न में कि हाँ इतने टाइम पीरियड में मेरा जो कस्टमर है वो आपको इतना इतना पैसा पे कर देगा आपके गुड्स का, सब कुछ ऑन टाइम, ठीक है। राइट आंसर इसका इम्पोर्टर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का एग्रीमेंट क्या होता है, देखिए पार्टनरशिप का एग्रीमेंट वो हो रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड अलग अलग जो क्लॉज हैं, रूल्स, रेगुलेशन, सब कुछ आपके मेंशन रहते हैं, ठीक है। इसको पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। अगर आपको याद हो हमने इसके बहुत सारे क्वेश्चन किए थे कि पार्टनरशिप डीड अगर एब्सेंट है तो उस केस में क्या रहता है, पार्टनरशिप डीड अगर है तो उसमें क्या रहता है। तो इस तरह से इसको पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। तो ये डीड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है रिटर्न फॉर्म में। अगर नहीं है
तो आपको पता है कौन से रूल अप्लाई होते हैं? अगर है तो तब तो ठीक ही है, जो उसमें लिखा गया है वही सारे रूल्स उसको फॉलो करने हैं। नहीं है तो उसके लिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं आपने पिछले वीडियो में देखे। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या बोलना चाह रहा है। द एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप मस्ट बी ओरल, मस्ट बी इन राइटिंग, कैन बी इधर ओरल और इन राइटिंग, मस्ट बी इन राइटिंग ऑन ए स्टैम्प पेपर। तो इसका ऑप्शन नंबर आप समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर सी है। ये आपका ओरल भी हो सकता है और रिटर्न में भी हो सकता है, ठीक है। ओरल इन द सेंस कि नहीं है के बराबर हो गया, एक तरह से आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो, और रिटर्न में तो आपके पास क्या है, एक डीड हो गई हो, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। 11 ओरल समझते हैं आप, जो आप बातचीत नॉर्मली करेंगे उसमें रिटर्न फॉर्म में कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। 11 क्वेश्चन है, एक्सपोर्ट प्रोसीजर बिगेंस विद, हमारा जो एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है, जिसमें गुड्स को निर्यात किया जाता है। एक होता है इंपोर्ट, आयात जिसको बोलते हैं, एक होता है एक्सपोर्ट जिसको हम बोलते हैं निर्यात, यानी कि हम गुड्स को बाहर भेज रहे हैं, बाहर सप्लाई कर रहे हैं। जैसे इंडिया से कोई USA को गुड्स भेजता है तो वो आपका क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा। अगर ऑन दी अदर हैंड अगर हम USA से कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं अपने देश के लिए तो हमारा इम्पोर्ट कहलाता है। तो एक्सपोर्ट प्रोसीजर कब स्टार्ट होता है, इंडेंट पे स्टार्ट होता है, शिपिंग ऑर्डर पे होता है, मरीन इंश्योरेंस पे होता है, या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर अपने पास है ऑप्शन नंबर ए, इंडेंट की सिचुएशन पे, इंडेंट की स्टेप पे ये स्टार्ट हो जाता है। अब बात आती है कि इंडेंट होता क्या है। इंडेंट होता है जब हमारा जो मैन्युफैक्चर है वो होलसेलर से गुड्स की डिमांड प्राप्त कर लेता है। जैसे कि हमारा इंडिया का एक मैन्युफैक्चर है ए, उसने USA को गुड्स क्या करने, एक्सपोर्ट करनी है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले ऑर्डर लेगा। तो ऑर्डर अगर USA ने कहा कि हमें 10,000 यूनिट की हमें ज़रूरत है इतने इतने तारीख को, तो जब ये डिमांड हमारे इंपोर्टर, हमारे जो मैन्युफैक्चरर है जो इंडिया में है उस तक पहुंच गई, उसको बोलेंगे इंडेंट, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो हमारे पास क्या आ गई, डिमांड आ गई, तो उसको बोलेंगे इंडेंट। तो यहाँ से आपका क्या, एक्सपोर्ट का प्रोसीजर पूरा का पूरा स्टार्ट होता है। और ऑप्शन भी देख लेते हैं, शिपिंग ऑर्डर, शिपिंग ऑर्डर तो आपको पता है, शिपिंग किस में यूज किया जाएगा, जब हम जो माल को लोड कर रहे हैं अपने शिप पे या इस तरह से, तो वो तब होगा जब मैन्युफैक्चर हो जाएगा। ये मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर की बात करता है इंटेंट, और जो ये शिपिंग ऑर्डर है वो उसके बाद की स्टेज है, जब उसको गुड्स को आपने प्रोड्यूस कर लिया उसके बाद उसको आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। तो ट्रांसपोर्टेशन का एक फॉर्म आपका होता है शिपिंग ऑर्डर, इसमें कन्फ्यूज मत करना, इंडेंट है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर और शिपिंग ऑर्डर आपका ट्रांसपोर्टेशन है। थर्ड आपका है मरीन इंश्योरेंस, इंश्योरेंस तो बाद की बात है ना, जब आपका गुड्स प्रोड्यूस हो जाएगा उसके बाद आप उसको शिप में डालोगे, उसके बाद आप उसका इंश्योरेंस भी करोगे, तो वो बाद की बात, सारा प्रोसीजर बाद में आता है। तो इंडेंट आपका सही आंसर है। सेल्फ हेल्प बाई म्यूचुअल हेल्प इज ए फीचर ऑफ, ये आपका होता है पब्लिक इंटरप्राइज और पब्लिक कॉरपोरेशन दोनों नहीं बल्कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का। जैसे हमने ऊपर भी देखा था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का सबसे कम प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव होता है, ऑन दी अदर हैंड ये आपके सेल्फ हेल्प बाई म्यूचुअल हेल्प भी होती है। यानी कहने का मतलब है सेल्फ हेल्प है, अपनी हेल्प बाई म्यूचुअल हेल्प, यानी कि एक दूसरे की हेल्प, अगर हम एक साथ में मिलकर काम करना, मतलब एक दूसरे का सहयोग करके काम करना, तो उसमें हमारी हेल्प होगी, हमारी हेल्प होगी तो औरों की भी हेल्प होगी। तो ये मोटिव होता है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी का। जैसे आपने नाम सुना होगा SHG, आपने कभी नाम जरूर सुना होगा, इसका होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी कि जो स्वयं सहायता समूह जिसको बोला जाता है, ठीक है, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप या सेल्फ हेल्प ग्रुप इसको बोला जाता है। तो इस तरह से ये आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर आ जाते हैं। 13 क्वेश्चन देख लेते हैं, इन इंडिया प्राइवेट सेक्टर एंटर्ड इनटू द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इन द ईयर, यानी कि पहले क्या था, लाइफ इंश्योरेंस में आपके प्राइवेट सेक्टर को अलाउड नहीं था, तो ये कौन सी ईयर में आपको प्राइवेट सेक्टर को अलाउड किया गया, जो इंश्योरेंस में था, लाइफ इंश्योरेंस में प्राइवेट सेक्टर को अलाउड किया गया सन 2000, ठीक है, इसको याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी है, करंट रेशियो इंक्रीज्ड बाय, यहाँ पे बोला है कि करंट रेशियो कौन से केस में आपका इंक्रीज करेगा। पहला है इश्यू ऑफ रिडीमेबल प्रिफेंसियर, सेलिंग ऑफ ओल्ड फर्नीचर फॉर कैश, या थर्ड है कैश रियलाइज्ड फ्रॉम डेटर्स, यानी कि तीन कंडीशन आपको दी हैं, यहाँ पे कोड दे रहेंगे।
और आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे सही है, कि कौन से केस में आपका जो करंट रेशियो है वो आपका इंक्रीज करेगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं करंट रेशियो क्या होता है आपका, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटी, ये आप सभी को पता है। और एक बात इसी के साथ में अगर याद रखना, इसका आइडल रेशियो आपका होता है 2:1 का, ठीक है, और लिक्विड का होता है 1:1, लेकिन यहाँ पे होता है 2:1। ये आपका क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है, आपका एग्जाम में पूछा जाता है। करंट रेशियो कब इंक्रीज करेगा, अब इसकी बात कर लेते हैं। पहला लास्ट से स्टार्ट करते हैं, थर्ड से, कैश रियलाइज्ड फ्रॉम डेटर। देखिए डेटर और कैश दोनों क्या है, हमारे करंट एसेट्स हैं। एक तरह से हमारा क्या रहेगा, कैश मिलेगा तो हमारे कैश इंक्रीज होगा, ठीक है, कैश कैश अपने पास आया, ठीक है, कैश अपने पास इंक्रीज हो गया, लेकिन इसका इफेक्ट हमारे डेटर भी तो बढ़ेगा, डेटर भी तो कम हो जाएंगे, तो डेटर हमारे क्या हो गए, कम हो गए, तो नेट इफेक्ट हमारा नील हो गया, कोई भी इफेक्ट हमारे करंट रेशियो पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि करंट एसेट्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है, क्योंकि एक तरफ कैश हुआ, चलो कैश तो हमें रियलाइज हुआ, कैश हमारा इंक्रीज हुआ, लेकिन डेटर भी तो कम हो गए, जितने से हमारे कैश बढ़े उतने से हमारे डेटर कम हो गए, तो नेट इफेक्ट नलिफाइड, ठीक। उसके बाद बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, सेलिंग ऑफ ओल्ड फर्नीचर फॉर कैश। आपने क्या किया, ओल्ड फर्नीचर पड़ा था, तो फर्नीचर आपका क्या है, फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड एसेट आपके क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि आपने एक फर्नीचर को बेचा, कैश आपके पास रियलाइज हुआ यानी कि कैश आपके पास रिसीव हुआ, बढ़ गया, तो इस केस में ज़रूर आपका जो करंट रेशियो वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ पे करंट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी की बात नहीं है, तो लाइबिलिटी यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट लाइबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे कोई बात लाइबिलिटी की नहीं की गई है, तो हम उनको कांस्टेंट मान के चलेंगे। तो कैश हमारा इंक्रीज हुआ, फिक्स्ड एसेट से हमारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम रेशियो करंट रेशियो की बात करें, तो देख ले यहाँ पे एग्जांपल करवा देता हूँ मैं, एक ज़्यादा समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास था 2:1 का, हम आइडल ले लेता, ठीक है ना, ये आपके पास था करंट रेशियो। उसके बाद होता क्या है, आपके पास आप मशीनरी को सोल्ड करते हो, ओल्ड मशीनरी को, तो ये मान लेते हैं आपके पास 200 था, ठीक है, इसको 200 मान लो, इसको 100 मान लो, ठीक है ना, ये मान लिया। अब उसके बाद फॉर एग्जाम्पल आप क्या करते हो, आप करते हो 200 रुपये की आपकी ओल्ड मशीनरी आपको सोल्ड हो जाती है, तो टोटल एसेट क्या हो जाएगा, 200, तो पहले था 200 की और मशीनरी आपने सोल्ड करी, तो आपके पास कैश आया 200 रुपये, तो आपके टोटल कितने एसेट हो गई, करंट एसेट 400 हो गई, और ये लाइबिलिटी जितनी थी उतनी की उतनी ही रहेगी, तो ये आपका रेशियो 4:1 हो गया, जो आपका पहले 2:1 था, अब आपका 4:1 हो गया, तो ऑब्वियसली आपका जो करंट रेशियो है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा, ये तो बिल्कुल सही है। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 1 की, इश्यू ऑफ रिडीमेबल प्रिफरेंस शेयर। जब आप रिडीमेबल प्रिफरेंस शेयर को इश्यू करेंगे, तो सबसे पहले आपकी क्या बढ़ेगी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लाइबिलिटी, तो इससे हमारा करंट लाइबिलिटी का कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ पे भी आपकी क्या है, लाइबिलिटी कॉन्स्टेंट रहेगी। ऑन दी अदर हैंड आपके पास करंट एसेट आपकी बढ़ जाएगी, तो इस केस में भी आप क्या करेंगे, करंट रेशियो आपका इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 और 2 आपका राइट हो जाएगा। तो कौन से मैं देख लेते हैं, 1 और 2 ओनली, थर्ड वाला क्यों नहीं होगा, उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया, क्योंकि दोनों साइड से आपका एक कैश कम है तो डेटर आपका, सॉरी कैश बढ़ेगा तो डेटर आपका कम हो जाएगा, तो आपका नेट इफेक्ट 0 हो जाएगा। ओके, आपका आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, ये 15 क्वेश्चन आप देख लेते हैं। फ्रॉम Which of the following statement is correct? देखिए यहाँ पे बोला है कि कौन से statement आपकी correct है। पहला है when creditors velocity और creditors turnover is highest as compared to debtor velocity, एक second, बोला है इसने question में when creditors velocity और creditors turnover is higher as compared to debtors velocity, it would, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हैव नो इफेक्ट ऑन लिक्विडिटी, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटीज की किसी तरह की कोई बात नहीं की जा रही है, तो यहाँ लिक्विडिटी आपकी क्या होती है, जो आपकी शॉर्ट टर्म की जो आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होते हैं उसको हम लिक्विडिटी के फॉर्म में यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, तो इस तरह से आपका ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है क्वेश्चन।
अगर आपको इसमें से किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और साथ ही एक और मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको किसी टॉपिक पे आपको ऐसा डाउट है, आपको टफ लगता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मैं उसकी आपको एक सेपरेट वीडियो आपको चैनल पर दे दूँगा। अगर आपको किसी प्रकार का कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उसकी वीडियो आपको अपलोड कर दूँगा ईजीएस्ट वे में समझा सके, ठीक है। सो गाइज, ये थे आपके 15 क्वेश्चन। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, काफ़ी इसके पार्ट्स अभी आने हैं, तो आपके चैनल के साथ बने रहिए और नई नई नॉलेज को गेन करते रहिए। पेपर का शायद पेपर का अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि सारे ही हमारे एग्जाम्स जो है पोस्टपोन होते जा रहे हैं, तो हो सकता है कोविड के चक्कर में ये एग्ज़ाम भी आपका कुछ टाइम का पोस्टपोन हो जाए, लेकिन अपनी तैयारी को आप कंटिन्यू रखिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, देखिए, बाय बाय, स्टे सेफ।